हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है, बड़ा ही यूनिक काइंड ऑफ बिजनेस है। और मैं बता देता हूँ कि ये जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ये अकेली इस टाइप की काम करने वाली अकेली कंपनी नहीं है, और भी कंपनियाँ हैं। सो एक यूनिक टाइप का बिजनेस कैटेगरी की एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से आईपीओ उठाना आईपीओ से पैसा उठाना चाह रही है। सो कंपनी का नाम है रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड। अभी कंपनी क्या काम करती है उसके आगे बात करते हैं, उससे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल्स आईपीओ से रिलेटेड जान लेते हैं। तो यहाँ पे 18 से 21 नवंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 147 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है। तो यहाँ पे देखने मिल रहा है कंपनी ने इन्फॉर्मेशन जो अपनी बहुत जल्दी पहले ही जारी कर दी है सारी की सारी। यूजुअली जो कंपनियाँ कॉन्फिडेंट होती हैं कि हम अच्छी कंपनी है और हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो वो अपना मार्केट में नाम इस चीज़ को, मतलब आईपीओ वाली चीज़ को एडवर्टाइजमेंट की तरह यूज़ करने के लिए भी, अपना नाम फैलाने के लिए मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी जारी कर देती हैं, ताकि एक एडवर्टाइजमेंट फ्री में हो जाए इसके बारे में। अब यहाँ पे यही कंपनी देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी 206 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, और कंपनी खुद की जो पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज 780 करोड़। और ध्यान रखिए, कंपनी जो है एसएमई सेगमेंट के अंदर में अपना आईपीओ लेके आ रही है, ना कि फुल फ्लेज आईपीओ लेके आ रही है। यहाँ पे एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए आपको 1,47,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि 1.5 लाख तक यूजुअली जरूरत पड़ती है हाईएस्ट, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा का ऊपर का आईपीओ एसएमई नहीं आता है, 1 लाख से 1.5 के बीच में आता है। उन्होंने जितना हाईएस्ट लगा सकते हैं उतने लगाने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पर देख ले कंपनी क्यों पैसे उठाना चाह रही है। तो बेसिक रीजन जो कंपनी ने यहाँ पर बताया है दैट इज़ कि इनको और ऑफिस स्पेसेस की ज़रूरत है, जिसके लिए उनको मुंबई में, साथ में इनको वेयर हाउसेस की ज़रूरत है, मॉडल वर्कशॉप्स की ज़रूरत है, और एक्सपीरियंस सेंटर की जिसमें कस्टमर जाए और वो एक्सपीरियंस कर सके कि कंपनी क्या करती है, किस तरीके से कंपनी का मॉडल काम करता है, तो वो होता है एक्सपीरियंस सेंटर। साथ में कंपनी जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो धंधा है, बिजनेस है, वो ऑनलाइन है, जिसमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो कंपनी ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। साथ में फिजिकल वर्क वर्क भी चलता है, उसकी आगे बात करते हैं किस तरीके से। कंपनी को बाकी जो मेनली खर्चा है उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है, जो कि कंपनी का रोज़मर्रा का खर्चा कंपनी में चल रहा है उसको। और साथ में कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करना चाहती है, जिसके थ्रू कंपनी एक्वायर करना चाहती है दूसरी कंपनियों को। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 89% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 66% रह जाने वाली है, जो कि अच्छी खासी है। सो यहाँ पर अब कंपनी की हम बात कर लेते हैं, तो इसके लिए आप एक कंप्लीट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर में, जिसको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अंदर में दे दूंगा, जिसको अगर आप कंपनी को पूरा डिटेल में समझना है, क्योंकि ये एक सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है, इसकी जो मेन पूरी कंपनी है उसके बारे में अगर आपको समझना है, तो आप इन्हीं के जो मेन प्रमोटर हैं उन्हीं के शब्दों से, उन्हीं के मुख बिंदु से सुन सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हिंदी हो गई, नहीं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो इसको समझने के लिए हमें इस वीडियो के अंदर में आपको एक चीज दिखाई गई होगी, उसको एक बार समझ लेते हैं। 1 सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूं। 1 सेकंड, 1 सेकंड, तो ये है कंपनी आपके सामने। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है, जो ये मेनली बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, जो एक मेन कंपनी है, ये एक सिर्फ सब्सिडरी का आईपीओ लेके आ रही है, ये जो पूरी कंपनी है वो मेन कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो गाड़ी का जो हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं, स्कूटी यूज़ करते हैं, मोटर बाइक यूज़ करते हैं, तो उसका एक पूरा कंप्लीट मॉडल को ऑटोमेशन, या फिर एक थेफ्ट प्रूफ, या फिर जेन्युइननेस रखने के लिए, ओईएम डिज़ाइन को रखने के लिए, या फिर डुप्लीकेसी को साइड करने के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया। जैसे आपके सामने एक जो गाड़ी के सामने एक प्लेट लगती है, जो कि हाई सिक्योरिटी प्लेट होती है, वो भी ये कंपनी ही प्रोवाइड करती है। साथ में ये कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर में काम करती है, किस तरीके से माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी कंपनी देती है, कि कंपनी ये बोलती है कि हम जो गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ पर हम माइक्रो डॉट्स लगा देते हैं, बहुत ही ना दिखने वाले, नंगी आंखों से ना दिखने वाले उन पार्ट्स को लगा देते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी भाई को स्कैन करना होता है फ्यूचर में, हमें पता करना होता है कि ये कंपनी किससे बिलोंग करती है, तो पता किया जा सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का थेफ्ट रुक जाएगा, या फिर थेफ्ट इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। दूसरा, कंपनी रजिस्ट्रेशन और आरटीओ की जो सर्विसेज होती हैं वो भी अपने पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड करती है, कस्टमर को बस अपने घर से ही सारे के सारे काम करने को मिल जाएंगे। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तो जैसे मैं आपको बताया है, इसी के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो वो भी अपने घर से आराम से कर सकते हो। और ये जो M2M कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस होते हैं, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, जो कि हम लोग ऑनलाइन तरीके से जो हम लोग टोल वगैरह पे करते हैं, उसका जो इंटेलिजेंट सिस्टम है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग, ये जो हम लोग ड्राइविंग टेस्ट देते हैं तो वो ऑटोमेटिक तरीके से आप ले सकते हैं, आपको किसी भी इंसान की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप पास हुए हैं कि नहीं पास हुए वो कंपनी पता कर लेती है, इन्हीं की एक सब्सिडरी है, राइट। ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड्स, व्हीकल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का भी काम किया, अगर आपकी गाड़ी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है,
सर्विसिंग की ज़रूरत है तो आप सिर्फ ऐप के ऊपर में जाओ, इन्फॉर्मेशन डालो, आपको बंदा यहाँ पे उनकी कंपनी का आएगा, सर्विस करा के आपको कंपनी गाड़ी वापस दे कर जाएगा। और लास्ट में गाड़ी की जो रिसाइकिलिंग है, गाड़ी पुरानी हो गई तो आपको रिसाइकिलिंग कराने की जरूरत है, तो उसकी भी सुविधा कंपनी देती है। सो एक देखिए कंपनी लाइफ स्ट्रक्चर जो है, कंपनी जो है ऑनलाइन देना चाहती है। साथ में ही कंपनी कंपनी जो मेन जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे टाटा हो गया, हुंडई हो गई, या फिर ओला वाले, इलेक्ट्रिक स्कूटी वाले हो गए, इनके साथ में टाई अप कर रखा है इन्होंने, तो वहाँ से डायरेक्टली ये जो पार्ट्स मंगवाते हैं अपना माइक्रो डॉट्स की टेक्नोलॉजी के थ्रू स्कैन करते हैं, और बाद में उसी टेक्नोलॉजी के साथ में कंपनी को प्रोवाइड कर दिया, जैसे ओला वालों को, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ में माइक्रो डॉट्स लगा के देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि वो पार्ट जो है वो ओरिजिनल अब कंपनी को पता चल जाएगा कि किस कस्टमर को जा रहा है, कस्टमर भी उस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। और ये भी विराम रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये एक कस्टमर का है, ये चाहे कहीं भी रहे ये कस्टमर के नाम पर जुड़ गया है। सो ये जो टेक्नोलॉजी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा इकोसिस्टम है कंपनी बनाने के ट्राई कर रही है। अब यहाँ पे जो ये मेन कंपनी है, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस कंपनी का नाम है KKH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसी की एक छोटी कंपनी जो कि इसी की सब्सिडरी, KKH टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, छोटी कंपनी रोजमेटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये एक मेन कंपनी है रोजमेटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि ये सारे काम जो है प्रोवाइड करती है, जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब इसी रोजमेटा टेक्नोलॉजीज की एक कंपनी है, जिस सब्सिडरी कंपनी, जिसका नाम है रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, जो 9th नंबर पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो कंपनी है ये प्रोवाइड करती है आपको ये व्हीकल मेंटेनेंस वाला काम मेनली प्रोवाइड करती है, व्हीकल मेंटेनेंस का मेनली, और साथ में परचेजिंग ऑफ व्हीकल का भी जो सुविधा है वो प्रोवाइड करती है। नई गाड़ी आपको खरीदनी है उसके लिए तो ये रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो सॉरी जो ये रजिस्ट्रेशन, ऑटो सर्विसेज और ये व्हीकल मेंटेनेंस, ये दो जो दो काम है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये जो दोनों काम है ये कंपनी अपना एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च कर रखा है, जिसका नाम है myrasta.in। सो इस पोर्टल के ऊपर में जाके आप अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, तो यहाँ पर आप अपनी जो भी सुविधा है, जो जो भी आपको सुविधा चाहिए वो फीड करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है ये कंपनी तक पहुंच जाएगी और कंपनी बाद में आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगी। इसी तरीके से कंपनी ने एक पोर्टल बना रखा है ऊर्जा नाम से, जो कि जो मैनेजर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो कि आपको गाड़ी खरीदवाने में मदद करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हो और आपने myrasta.com से जो .in जो वेबसाइट है वहाँ से अगर अप्रोच किया, तो उनके पास ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी ऊर्जा वालों के पास में, क्योंकि ये एक ही कंपनी के दोनों पोर्टल्स हैं। तो ऊर्जा वाला जो पोर्टल है ये मैनेजर्स एजेंट्स के लिए है और आपके लिए माई रास्ता वाला है, तो आप वहां पे रिक्वेस्ट डालोगे तो उनको ऊर्जा वाले पोर्टल पे ऑटोमेटिकली दिखना चालू हो जाएगा और वहां पर वो सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी क्या कि अपने ऐप में ट्रैक कर सकते हो कि मेरी सर्विस कहाँ पर चल रही है, मेरी गाड़ी की सर्विस कहाँ चल रही है। इसी के साथ में आप इन्हीं के पोर्टल के थ्रू आपको कोई स्पेयर पार्ट चेंज करना है अपनी गाड़ी के अंदर में, कुछ चेंजेस, बदलाव करवाने, पेंट करवाना, डेंटिंग करवानी है, सफाई करवानी है, नो वाट एवर यू वॉन्ट टू यू नो डू विद योर व्हीकल स्पेयर पार्ट्स में, या फिर आपको RTO की रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, तो वो आप myrasta.com वेबसाइट पे डाल सकते हैं और कंपनी अपने बिहाफ पे काम करना चालू कर देती है। अब ये जो मेन कंपनी है वो अपना IPO नहीं लेके आ रही है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी, अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं यहाँ पर, राइट। अभी हमने जैसे कि चेक किया था, ये मेन कंपनी है KKH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी ये वाली, और फिर इसकी 11 सब्सिडरीज और हैं, राइट। इनमें से सिर्फ ये सब्सिडरीज का IPO लेके आ रहे हैं रोजमेटा टेक्नो डिजिटल सर्विसेज वाला, राइट। बाकी किसी का भी IPO नहीं आ रहा है। मजा आता जब ये रोजमेटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO आता, तब हम लोग डायरेक्टली सारी कंपनियों में इन्वेस्टेड रहते, राइट। अब कंपनी जो लेके आ रही है जो लेके आ रही है, ठीक है, बात है। अब इसी की बात करते हैं, जो कंपनी लेके आ रही है इसकी बात करते हैं। तो ये कंपनी जो IPO से पैसे उठा रही है उसका ये जब इतना इतना पैसा जो है इन इन चीज़ों में खर्च करने वाली है, जो कि हमने अभी बात किया था। साथ में ही अगर हम लोग देखते हैं कि 56% शेयर होल्डिंग जो है रोजमेटा टेक्नोलॉजीज के पास में IPO के बाद में रह जाने वाली है, और श्री बांके बिहारी फैमिली, अब यहाँ पे आपने एक नाम लिखा था KKH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो कंपनी है ये किसकी है, ये बांके बिहारी नाम की, जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर, सॉरी, दिस KKH टेक्नोलॉजीज इज ओन्ड बाय मोतीलाल नागपाल ट्रस्ट, सॉरी, मोतीलाल नागपाल ट्रस्ट द्वारा ये होली ओन्ड सब्सिडरी है। सो एक फैमिली ट्रस्ट बना हुआ, ट्रस्ट के नीचे एक दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी के नीचे रोजमेटा, रोजमेटा के नीचे डिजिटल सर्विसेज वाली एक सब्सिडरी, उसका IPO आ रहा है, राइट। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर, दिस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज क्लियर। अब देख लेते हैं कि रोजमेटा टेक्नोलॉजीज और ये बांके बिहारी फैमिली ट्रस्ट है, इसके पास में ये जो कंपनी IPO लेगी इसकी इतनी इतनी परसेंट शेयर होल्डिंग IPO के बाद में रह जाने वाली है। नेक्स्ट, अब कंपनी के ऊपर में कुछ खास आज के दिन केसेस नहीं है, बट कंपनी ने अच्छे खासे केसेस
मतलब सॉरी कंपनी नहीं, प्रमोटर्स, प्रमोटर्स ने अच्छे खासे केसेस यहाँ पर कर रखे हैं दूसरे लोगों के ओपन में। यहाँ पे कंपनी की जो शुरुआत है जिसका हम आईपीओ के अंदर बात करें तो इसकी 21 में शुरुआत की गई थी, उसके बाद में 24 ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स इन माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, और उसके बाद में 24 के अंदर में अब ये आईपीओ से पैसा उठाने का ट्राई कर रही है। अब रोजमेटा टेक्नोलॉजी जो कि इसकी मेन जो मेन कंपनी है कि जो इस सब्सिडरी की मालिक, उसका जो शुरुआत है वो 2006 के अंदर में ही हो गया था। दैट मीन्स कि ये कंपनी जो है अभी नई नहीं है, 21 की नहीं है, 2006 की चलती हुई आ रही है। उसकी डिफरेंट सब्सिडरीज हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि इसके बहुत सारे काम हैं, तो इन अलग अलग कामों के लिए इन्होंने अलग अलग एक सब्सिडरी खोली हुई है, राइट। तो अभी के लिए व्हीकल मेंटेनेंस वाली हमारे लिए है, व्हीकल मेंटेनेंस, और ये रजिस्ट्रेशन एंड आरटीओ सर्विसेज के लिए हमारे लिए आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं उस कंपनी के लिए पर्टिकुलरली। आई होप कि कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ। अगर कहीं कन्फ्यूजन रहती तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन, यू विल डेफिनेटली यू नो सॉल्व योर कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे जो कंपनी के जो मेन प्रमोटर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस पूरी कंपनी के मालिक हैं, जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस रोजमेटा टेक्नोलॉजीज के, तो वो मेन जो करता धरता है उनका नाम है कर्ण विवेक नागपाल। और आप यहाँ अगर वीडियो के अंदर में देखते हैं तो ये जो मेन आदमी है यही कर्ण विवेक नागपाल ही है। आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं डेफिनेटली, राइट। इसी के साथ में थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ये सर ये हमने देख लिया। और साथ में अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी है, जो सॉरी ये जो सब्सिडरी है जो आईपीओ लेके आ रही वाली कंपनी है, इसके पास में कोई भी प्रॉपर्टी ओन्ड नहीं है। सारी प्रॉपर्टी जो यूज़ करती है वो लीज के ऊपर में है, जो ये दूसरी कंपनियों से ली हुई है। साथ में कंपनी की जो अब किस तरीके से जितना पैसा कंपनी कमाती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, उसमें से कितना परसेंट पैसा कहाँ से आता है, तो यहाँ पे डिजिटली इनेबल्ड सर्विसेज और डिजिटली इनेबल्ड चैनल सर्विस सेल्स। तो यहाँ से जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है इनके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, वहाँ से 41% रेवेन्यू इनका आता है। 58% जो रेवेन्यू है वो इनकी चैनल सेल्स के थ्रू आता है, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट चैनल्स हर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में अपने ऑफिसेज खोल रखे हैं जहाँ पर ये अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से इनका जो है रेवेन्यू आता है। तो काइंड ऑफ देखा जाए तो सेम सी ही बात है, राइट। अब कहीं पे चैनल खोल रखा है, कहीं पर ये ऑनलाइन सर्विसेज बेच के भी आता है। जैसे आपने आरटीओ सर्विसेज ली तो वो डायरेक्ट हो गई, बाकी चैनल अगर कोई बंदा आता है वहाँ पे तो गाड़ी के बोलता है कि मेरे को ये करवानी है, सफाई करवानी है, ठीक करवानी है, स्पेयर पार्ट्स खरीदने हैं, तो वो चैनल के थ्रू सेल्स मानी जाएगी कि चैनल के थ्रू सेल आई है। यहाँ पे कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो कर्नाटका महाराष्ट्र से आ रहा है आज के दिन, बाकी दूसरे जो राज्य हैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। नेक्स्ट कंपनी का ये जो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि आज के दिन कंपनी के साथ में रजिस्टर्ड हैं और कंपनी की सुविधाएँ यूज़ कर रही हैं। आज के दिन कंपनी में 505 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और मोस्टली जो है ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं या फिर कस्टमर केयर में काम कर रहे हैं। अब किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, तो अगर मान के चलिए कि कोई कस्टमर है उसको गाड़ी नहीं खरीदनी है, तो कस्टमर अपनी जो परचेज़ की रिक्वायरमेंट है वो डालता है और अपनी जो KYC है वो कंप्लीट करता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है। बाद में ऊर्जा प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने कहा था कि ये कस्टमर के लिए पोर्टल कौन सा बना, माईरास्ता, और जो एजेंट्स हैं मैनेजर्स हैं कंपनी उनके पास में ऊर्जा प्लेटफॉर्म है, तो ऊर्जा प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक उनके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कस्टमर की। फिर वहां से डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई कर लिया जाता है कस्टमर का। फिर वाहन जो पोर्टल है, सरकारी जो पोर्टल है, वहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाते हैं कस्टमर के नाम पर, और बाद में फिजिकल अपॉइंटमेंट कस्टमर के साथ में एक फिजिकल अपॉइंटमेंट भी किया जाता है ताकि उसके साइन वाइन ले सके लिया जा सके कंपनी द्वारा। उसके बाद में कंपनी जो है वो जो साइंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके भी उनके उनको यूज़ करके बाद में एक PR जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का, वो ले लिया जाता है कस्टमर के नाम पे, और फिर गाड़ी डिस्पैच कर दी जाती है, कस्टमर को गाड़ी दे दी जाती है, वो भी घर बैठे पूरा का काम हो गया। सो गाड़ी आपने घर बैठे खरीद ली, कंपनी ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम ऑनलाइन ही देख लिया, तो ये काफ़ी अच्छा जो आज के दिन देखने को मिल रहा है। कि बट ये जो है कि लोगों को यूजुअली शोरूम जाना, वहाँ पे गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लेना और फिर वहीं पर लेके खरीद के घर लेके आना, वो एक एक्सपीरियंस अलग टाइप का होता है। बट ये भी एक ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस है कंपनी देना चाहती है। बाकी ये जो कंपनी जो सर्विसेज दे रही है, ये बेसिकली शोरूम वाले हमको सर्विसेज दे देते हैं, हमको बस जाके गाड़ी बुक करवानी होती है और उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमें बस फोन आ जाता है कि आप गाड़ी लेने आ जाओ, आपका सारा काम हो गया है।
तो ये हेडेक पहले भी कस्टमर के लिए नहीं था, ये हेडेक जो था वो शोरूम वालों के लिए था। अब जो है ये बोल रहे हैं कि कस्टमर को भी बस अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो ये हेडेक जो है जो अपलोड करने वाला डॉक्यूमेंट्स वाला साइन लेने वाला, ये थोड़ा सा कस्टमर के ऊपर में डाल रहे हैं। बट आई थिंक शोरूम जो एक्सपीरियंस है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है, सो आई वुड डेफिनेटली प्रीफर दैट वन देन दिस वन। बट काफ़ी आजकल जैसे ये कर्नाटका महाराष्ट्र वहाँ पर ही ज़्यादा फैल रहा है, बिकॉज यहाँ पर लोगों के पास वक्त नहीं है इतना गाड़ी की सर्विसेज करवाना, मेंटेनेंस करवाना। बस जो मेंटेनेंस वाली जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी, क्योंकि किसी के पास में टाइम नहीं है कि मैं सर्विस करवाने जाऊँ। तो ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो OEM सर्विस देते हैं कि जो पार्ट्स होंगे वो हमेशा स्कैन रहते हैं, जहाँ से वो चले हैं मैन्युफैक्चरर से वहीं पर उनके ठप्पा लग जाता है, तो कस्टमर स्कैन कर सकता है कि जो भी पार्ट्स मेरी गाड़ी में डले हैं वो ओरिजिनल हैं, राइट। तो एक ऑथेंटिसिटी कंपनी के ऊपर में बन जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो सेल है फ्यूचर में बन बढ़ सकती है। बिकॉज यूजुअली हम जो सर्विस करवाते हैं तो हमें ये डर रहता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी वाला है ये किस तरीके से गाड़ी को यूज़ करने वाला है, ये फालतू का बिल तो नहीं फाड़ेगा ये। फिर जो फालतू का बिल है वो फाड़ने वाला है वो तो ये कंपनी भी, ऑफ कोर्स ही बात है। कौन जानता है कि इनका ईमान कैसे काम करता है, वो तो ये भी गड़बड़ियाँ कर ही सकती हैं, ऑफ कोर्स ही बात है। क्योंकि यहाँ से हमसे गाड़ी लेके जा रहे हैं, वहाँ पर कौन कौन सी कितनी कमियाँ निकाल दें वो क्या पता हमें, सर आपका ये भी खराब है, आपका ये भी खराब है, आपका ये भी खराब है, तो वो वाली चीज़ तो आएगी नहीं। बट आपका स्पेयर पार्ट जो यूज़ हो रहा है वो आपको नकली नहीं मिलेगा, ये बोल रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा इंटरनल पूरा का पूरा मामला है। सो ये जो चैनल सेल्स वाले हैं ये गड़बड़ कर सकते हैं कंपनी का फ्यूचर के अंदर में चल के, जो कि आपको यूजुअली हर जगह ही देखने को मिल जाता है कि सर आपकी गाड़ी में तो ये हो रही है दिक्कत है, होती कुछ नहीं। अब यहाँ पे कंपनी जो रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज, ये वाली जो सब्सिडरी है मेन कंपनी रोजमेटा टेक्नोलॉजीज की, तो ये कंपनी जो है ये गराज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज, दैट मीन्स आपको नई गाड़ी खरीदने का एक्सपीरियंस और व्हीकल ओनरशिप एक्सपीरियंस, वो आपको जो RTO रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करती है। इसी के साथ में जो एक्सेसरीज होती हैं वो आपको बदलाने का जो सिस्टम होते देते हैं, चैनल सेल्स आपको मिल जाता है, और यहाँ पे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स आपको इसके थ्रू मिल जाते हैं, दैट मीन्स कि एक एक्सपीरियंस ऑनलाइन दे रखा है इन्होंने। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की जो रेवेन्यू साइड है उसको एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं, कंपनी किस टाइप से कितना पैसा आज के दिन इस सब्सिडरी में लगा हुआ है मेन कंपनी से। तो यहाँ पे टोटल 100 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये जो डेटा है आपके सामने थाउजेंड्स में है, ध्यान रखना थाउजेंड्स। तो यहाँ पर ये 100 करोड़्स हैं, राइट, 100 करोड़ 13 लाख 7000, ठीक है। तो कई बार भाइयों को कन्फ्यूजन है, वो कमेंट्स आते हैं नीचे कि सर ये डेटा तो ऐसे था। सो ये 100 करोड़ से 70 करोड़ रुपए जो है वो प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स के लगे हुए हैं कंपनी में, बाकी जितना ही पैसा 30 करोड़ के आसपास में दैट इज उधारी का पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है। अब ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है मेनली, तो मेन ये पैसा लगा हुआ है एक तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 20 करोड़ रुपये का, साथ में ही 48 करोड़ रुपये का कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स हो रखा है, राइट। ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छा खासा कंपनी का हो रखा है, लगभग आधा ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा हुआ है, पिछले साल जबकि वो 16 करोड़ रुपये ही था, अभी जो है आधे साल के अंदर ही 48 करोड़ का हो गया है। नाउ दैट्स ए वेरी कंसर्निंग पॉइंट बाय द वे। साथ में अगर 19 करोड़ रुपये कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में भी पड़े हुए हैं, अदर फाइनेंशियल एसेट्स की, जो कि भी एक कंसर्निंग पॉइंट है। किस तरीके से इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 20 करोड़ रुपये का कर रखा है, जो कि म्यूचुअल फंड्स में कर रखा है। साथ में अगर हम लोग दूसरी चीज़ देखेंगे, ये कुछ पैसा है जो कि कंपनी का उसमें पड़ा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, जो कि अच्छा खासा पड़ा हुआ है, जो कि लास्ट 6 मंथ से ही है। दैट मीन्स कि कंपनी का देखा जाए तो 6 मंथ्स के जो पुराना है वो 34 करोड़ का है, और 1 करोड़ 47 लाख का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना पुराना है, 6 महीने से 1 साल पुराना है। बाकी 1 करोड़ 16 लाख का जो, सॉरी 11 करोड़ का जो है वो अभी नॉट ड्यू है, मतलब वो रिकवर हो चुका है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 48 करोड़ रुपए जब कंपनी ने ट्रेड रिसीवेबल में डाल रखे हैं। सो ये काइंड ऑफ साइकिल दिखती हुई बनती हुई दिख रही है, क्योंकि वो हर 6 महीने के अंदर में डेटा जो है वो रिकवर हो रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के पास में एक चीज और बताई थी, दैट इज 19 करोड़ रुपए कहाँ लगे हुए, तो ये है अदर रिकवरेबल्स। सो दिस इज अदर रिकवरेबल अमाउंट रिलेटेड टू RTO फीस पेड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, दैट मीन्स कि कंपनी ने ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स ऑलरेडी RTO फीस वगैरह प्रोवाइड कर दी है, बट अभी तक जो कस्टमर से फीस नहीं ली है। तो ये एक आप चाहो तो इसको इंक्लूड कर सकते थे उसके अंदर में, यू नो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, बट कंपनी ने इसको अदर रिकवरेबल अमाउंट में डाला है, ताकि इतनी बुरी भी बैलेंस शीट ना लगे। सो ये भी रिकवरेबल अमाउंट ही है, अभी तक रिकवर हुई नहीं है।
काइंड ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव कंपनी का, मेनली जो बैलेंस शीट का जो मोस्टली 70% जो पार्ट है वो ट्रेड रिसीवेबल वाले सेगमेंट के अंदर में पड़ा हुआ है, दैट इज़ वेरी नेगेटिव। साथ में ये अगर देख लेते हैं कंपनी की सेल्स रेवेन्यूज किस तरीके से आ रहे हैं, तो यहाँ पर 29 करोड़ रुपए 2023 में कमाए थे, 2024 के अंदर में 84 करोड़ रुपए रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाई नहीं रेवेन्यू जनरेट हुआ था। फिर 92 करोड़ रुपीज़ अभी 6 महीने में कंपनी ने जनरेट कर लिया, दैट्स ग्रेट कि रेवेन्यू अच्छे खासे जनरेट कर पाए। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किए थे, यहाँ 10 करोड़ रुपये के, और यहाँ पर 14 करोड़ रुपए कंपनी ने 6 महीने में जनरेट करिए, दैट मीन्स कि 30 करोड़ के आसपास में पूरे साल में जनरेट कर लेगी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पी के हिसाब से कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है, वैल्यू निकालते हैं तो लगभग 25-26 के आसपास में थे, बिकॉज कंपनी ने खुद की वैल्यू 780 करोड़ रुपये लगाई है, तो 25-26 का पी रेशियो निकल के आता है। अब यहाँ पे ओवरऑल बात करते हैं तो कंपनी ने जो अपने कंपटीशन का नाम दिया हुआ है BLS सर्विसेज, जो कि किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन के अंदर, बिकॉज इसकी जो सर्विस जिस सेगमेंट में ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है वो कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर है। ये कंपनी जिस सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो एक कंप्लीटली व्हीकल ऑटोमोबाइल रिलेटेड सर्विसेज फील्ड है, ये जो है अलग लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, नॉट नॉट बिलोंग दिस कंपनी डजेंट बिलोंग टू द यू नो ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सो मुझे नहीं लगता कंपैरिजन ठीक रहेगा, बट स्टिल कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रही है, यहाँ पर सीधा ही देख रहे हो 1 करोड़, फिर 10 करोड़, यहाँ पे 30 करोड़ इस साल, क्योंकि फॉरवर्ड पे भी कुछ आधे साल का ही है, तो अगले साल हो सकता है 60 करोड़, उसके बाद में 120 करोड़ नेट प्रॉफिट जनरेट कर ले, बिकॉज जिस तरीके से कंपनी बढ़ रही है नेट प्रॉफिट्स रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, नाउ दैट्स इनसेन राइट, जिस क्योंकि कंपनी जिस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आई थिंक बेंगलोर महाराष्ट्र के लोगों के पास में टाइम वक्त बिल्कुल नहीं, और पैसा था पड़ा हुआ है, तो वो बस ऐप के थ्रू ही सारा काम करवाते हैं, बस हमें चंगा चाहिए हर चीज़, पैसा जितना मर्जी चीज़ ले लो, तो वही चीज़ का कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर में भी होने की चांसेस अच्छे खासे दिख रहे हैं। अब ओवरऑल मेरा व्यू क्या बन रहा है कंपनी को लेकर के, मेरा व्यू पॉजिटिव बन रहा है कंपनी को लेकर के, और कंपनी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर में और भी अच्छे अच्छे IPO लेके आ सकती है, बिकॉज कंपनी की जो मेन कंपनी है इनकी टेक्नोलॉजीज रोजमेटा टेक्नोलॉजीज, उसके बहुत सारी और भी सब्सिडरीज हैं जिनका भी IPO बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, तो आई थिंक इस कंपनी को ये कंपनी डूबने नहीं दे सकती, इसको इस कंपनी को इनको अच्छे से ऊपर लेके जाना पड़ेगा या फिर मेंटेन रखना पड़ेगा सर्विसेज को, ताकि इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर में कॉन्फिडेंट रह पाएँ राइट। और साथ में इनकी अच्छी कंपनी है, अच्छे से चल रही है, रेवेन्यूज अच्छे जनरेट हो रहे हैं, और आई थिंक दिस इज गुड। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें उससे पहले एक बार और रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ लें, उसके हिसाब से फिर जितना आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से इसमें पैसा डालें, बिकॉज दीज आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था, क्योंकि मेरे को भी इस कंपनी को समझने में काफ़ी वक्त लगा था, आई होप कि मैं समझा पाया हूँ आपको, एंड सी यू टुमारो।